प्रणाम। आज लॉकडाउन आत्मचिंतन सीरीज का आखिरी ऑडियो। आशा है आप सभी को ये सीरीज सुनने में आनंद आया होगा। और फूल ना सही तो फूल की पंखुड़ी जितनी ही, हमारी एकाध बात तो आपके दिल को छू ही गई होगी और धर्मक्रिया में बढ़ावा हुआ होगा, ऐसी आशा रखते हैं। 12 की 12 भावनाएं रोज स्मरण करके अपने जीवन को पॉजिटिव ऊर्जा से भरते रहना। आज धर्मस्थान नहीं होते तो धर्म की भावना भी जागृत नहीं रहती। एक सिंपल लॉजिक है, कोई यदि बिल्डर होगा या कोई बिजनेसमैन होगा, वो प्रेजेंटेशन देते वक्त भी हम कितना भी अच्छे से समझाए, पर वर्क मॉडल जब सामने दिखता है तो ही भाव आता है। वैसे ही मंदिर आदि धर्म स्थान है तो धर्म की भावना जागृत है, तो ही करुणा है, और करुणा है तभी लोग अनुकंपा दान करने हेतु आगे बढ़ पा रहे हैं। और डॉक्टर्स भी चाहे कितना भी विज्ञान पढ़ ले, पर जब आर या पार के वक्त डिसीजन लेने का जब समय आता है, तब वे भी अपने भगवान को याद करके ही फाइनल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि धर्म ही हमें नैतिकता और सदाचार के भाव मक्कम कराता है। तो याद रहे, धर्म और विज्ञान की बराबरी कभी नहीं हो सकती। धर्म ऑलवेज सुपीरियर है और रहेगा। और एक बात, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स। परमात्मा के वचनों पर अटूट श्रद्धा करके, आराधना में बढ़ोतरी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा विराधना में कटौती हो, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस सीरीज दरमियान हमें कईयों के अनुभव जानने मिले, जैसे होली के दरमियान माँ बेटे का अनुभव। माता ने पहली बार आइम्बिल की रसोई घर पर बनाई और बेटे ने भी लाइफ में पहली बार होली की। हमारे एक भाई ने शादी के 20 साल के बाद इन दिनों में घर पर पहली बार सामयिक लेना शुरू किया। कईयों को तो ऑडियो सुनकर ही सोना ऐसा नशा हो गया था। कई भाइयों को सामयिक आदि करने के भाव मक्कम हुए। भाई बहनों को प्रभु के शासन के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव की धारा आगे बढ़ती गई। यंग जेनरेशन में भी हमारे एक भाई ने पहले खुद ऑडियो सुनना शुरू किया और फिर साथ में अपनी पत्नी को भी सुन के रोज धर्म चर्चा करने लगे। जीव दया वाला उदाहरण सुनकर हमारे एक बहन ने होली के शुरू होने के पहले ही घर के सभी गरने बदले। हमारी एक बहन ने होली के दिनों में सामयिक और चौव्यार शुरू किया। इन सभी की हम तहे दिल से अनुमोदना करते हैं। हमारा ऑडियो तो सिर्फ निमित्त था, बाकी आप में रही शक्ति की वजह से ही आप इस पुण्य कार्य में आगे बढ़ पाए हो, और बस आगे के दिनों में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। इस लॉकडाउन में भी हम सबको रहने की आदत लगभग हो ही चुकी है, तो बस ऐसे ही धर्मक्रिया की भी आदत हो ही चुकी होगी, ऐसी आशा रखती हूँ। और हमें एक भाई के अभिप्राय ऑडियो द्वारा सुनने मिले, वे ऑडियो हम आपको अभी सुना रहे हैं। सादर जय जिनेंद्र फ्रेंड्स को, मैं संजय बे अंधेरी लोकन वाला मुंबई से। मुझे ये ऑडियो सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो श्री गिरीश भाई मेहता के द्वारा हुआ, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अध्यात्म में रुचि शुरू से ही काफ़ी रही हुई है, स्वाध्याय भी करता हूँ, गुरुओं का प्रवचन भी सुनता हूँ, लेकिन कई बार चीज़ें अपने रूटीन में सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन वो दिल में बहुत कम चीज़ें उतरती हैं। इस बार जो बहन का ऑडियो मैंने सुना वो बहुत ही अच्छा था। मुझे उनका प्रेजेंटेशन, उनकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी लगी। जिस तरह से वो बोलती है ऐसा लगता है जैसे 1-to-1 बात कर रही है। इन ऑडियो का जो सुनने का जो अनुभव मेरा ये रहा, या जो मैंने उतारा थोड़ा जो भी इस समय अपने मन में, कि करुणा दया भाव अपने लोगों के प्रति कितना हम और बढ़ा सकते हैं, दूसरों का दुख हम कितने अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो संवेदनशीलता अपनी बढ़े, अपने सोच विचार अपने अच्छे हों, और साथ में उपभोक्ता की सीमा कर सकें, वो कर सकूं मैं। अब यही है कि बातें तो सब अच्छी लगती है, लेकिन आचरण में कितना आता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि धीरे धीरे भी ये आचरण में आवे और आपका ऑडियो का सुनने का मुझे अवसर भविष्य में मिलता रहे। जय जिनेंद्र।
आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने अपने अनुभव हम सब के साथ शेयर किए। ये जो 19 ऑडियो है, ये सारे के सारे ऑडियो अगर यदि आपको कभी सुनने की वापस इच्छा हो तो YouTube पे गौतम लब्धि म्यूजिक चैनल के ऊपर ये सारे ऑडियोज अपलोड किए गए हैं। आपको जब भी भविष्य में मौका मिले, जब भी इच्छा हो, इस समय को याद करते हुए अपनी भावनाओं को मक्कम करने अवश्य ये ऑडियो सुने। आखिर में इस सीरीज दरमियान जिनाग्निया विरुद्ध कोई भी बात शेयर की गई हो, कोई शब्द आगे पीछे बोला गया हो, ऐसी कोई भी जाने अनजाने में हमसे गलती हुई हो, तो मैं और मेरे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से मन वचन और काया से हम मिच्छामी दुक्कड़म मांगते हैं। धर्म आराधना में आप आगे ही बढ़ते रहे, पाप का आचरण कम हो और पाप करते वक्त मन में एक डर हो और हर एक क्रिया करते वक्त उपयोग अलर्टनेस रहे, यही आशा के साथ इस ऑडियो सीरीज को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।